अस्सलामुअलैकुम सबाज बेस क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह स्पाइसी चिकन सब्वे की रेसिपी सीखेंगे। बनाना बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं और ये जो सब्वे है वो बच्चों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 250 ग्राम चिकन ले रहे हैं, यानी 250 ग्राम चिकन अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए 1 टीस्पून नमक और फिर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर लीजिए, ठीक है, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कीजिए। और यहाँ पर हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, यानी काली मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे। और इसमें ऐड कीजिए आप 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और 1 टीस्पून चिकन मसाला ऐड कीजिए। 2 तेज़पत्ते हम इसमें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे कुछ देर रखिए। उसके बाद आप इसमें डालिए 1 कप पानी, और पानी डालकर हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में इसे शिफ्ट करेंगे और इसे हम पका लेंगे। आप इसे अच्छी तरह से पकाइए, पहले हाई फ्लेम पर फिर धीमी आंच पर पकाइए ताकि चिकन गल जाए। और चिकन को हमें अच्छी तरह से पका लेना है ताकि ये गल जाए और इसका पानी सूख जाए, ठीक है। बीच बीच में आप इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। देखिए चिकन अच्छी तरह से जब पक जाएगा तब हमने इसे एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लेना है, और निकाल कर हम इसे ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद हम इसकी हड्डियाँ अलग कर लेंगे, इसका गोश्त अलग कर लेंगे, यानी इसे श्रेड कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ते आप इसमें ऐड कीजिए और इसे आप अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तब आप इसमें प्याज डाल दीजिए, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और इसमें आप जो चिकन का बचा हुआ मसाला था वो आप इसमें डाल दीजिए, और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड कीजिए और 1 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड कर दीजिए। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर आप इसमें ऐड कीजिए श्रेडेड चिकन, यानी वो चिकन जो आपने हड्डियों से निकाला था वो चिकन आप इसमें ऐड कीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे, यानी जो इस सभी चीज़ों के साथ हम इसे पका लेंगे। आप इसमें थोड़ी सी अदरक को ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी अदरक हमने ग्रेट करके इसमें डाल दी है और फिर आप गैस का फ्लेम बंद कीजिए। अब एक बड़े से तवे पर थोड़ा बटर गरम कीजिए और उसके बाद ये जो ब्रेड है वो हम इसे दोनों साइड से थोड़ा सा बटर लगाकर गरम कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे, ठीक है। हमने इसे बीच में से कट कर लेना है और उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई पत्ता गोभी रखेंगे, और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और अगर आपके पास सलाद पत्ता हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कटी हुई प्याज डाल दीजिए। कटी हुई प्याज डालने के बाद आप इसमें बनाया गया चिकन डाल दीजिए। बनाया गया चिकन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे, हम इस पर थोड़ा सा मेयोनीज डाल देंगे, मेयोनीज डालेंगे, और उसके बाद साथ ही हम केचप ऐड कर देंगे। इस तरह से केचप ऐड कर दीजिए और ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए, या फिर आप बारीक कटी हुई कोई भी सब्ज़ी या पत्ता गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये हमारा जो है सब्वे बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही चटपटा सा है, बहुत सिंपल सा है। आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबाज बेस्ट क्लासेस।